लेकिन मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत पहले कुछ लाइनें वो की थी कि दोगलों की बस्ती में सबके अपने डेरे हैं, दोगलों की बस्ती में सबके अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पर तेरे हैं, ये मेरे मुंह पर मेरे हैं। तो ड्रिंक चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा आपको पता है हमने आपको कई फिल्मों से निकाला है। उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए ऐसा है कि इस इंटरव्यू को नॉर्मल इंटरव्यू रहने देते हैं, ये पर्सनल मुद्दे हैं, पर्सनल बातें हैं। मुझे वो एक्टर अच्छा लगता है जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। कहा ना कि हर रिश्तों की एक लिमिटेशन वो हम और आपके हाथ में नहीं होती, ईश्वर ने तय किया हुआ। क्या पता आप डेस्टिनी बिलीव करती हैं कि नहीं करती हैं, पर मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं अक्षरा सिंह के साथ कभी काम नहीं किया हूँ, पर इतना देखा है कि उस लड़की ने खुद के मेहनत पे उसे गिराने की बहुत कोशिश की गई, उस लड़की को इंडस्ट्री से उखाड़ के फेंकने के लिए बहुत कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें की गई। इवन हम कहीं बैठे रहते थे तो जो बाकी के लोग थे वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, मैं उसको प्रोटेक्ट करके बहुत सारी बातें करता था। और जितना मैंने सुना है कि आप मसाज भी करते थे, योगा सिखाते थे, मसाज स्पेशली लड़कियों का भी मसाज करते थे। इमोशनल करते रहिए आप।